नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इन दिनों हम गोकुंभ को कवर कर रहे हैं। नर्मदा गोकुंभ जो जबलपुर में 3 मार्च तक आयोजित हो रहा है, उसको कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर संतों का पूरी तरीके से समागम है। आस्था का महापर्व, भक्ति का महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, भक्तों के साथ ही साथ संतों के द्वारा मनाया जा रहा है। और यहाँ पर हमें एक अद्भुत संत दिख रहे हैं, जो टोपी और चश्मे के साथ जो है तो भक्तों को दर्शन देते हैं। आइए उनसे बात करेंगे और फिर जानेंगे उनका कुछ हालचाल। हर हर महादेव बाबा जी, हर हर महादेव। आपका जो स्वरूप है वो बहुत ही अद्भुत स्वरूप है। टोपी चश्मा आप लगा करके भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, तो मतलब इस बारे में थोड़ा सा हम कुछ जानना चाहते हैं आपसे। भोलेनाथ की मेहर है जी, है नी जी। उनके अनेक रूप होते हैं, हम उनके बच्चे हैं जी, है नी जी। उनका हम जो भी है उनका कार्यकर्ता, हम उनकी लाइन को कर रहे हैं सभी लोग। ये माँ भगवती की कृपा है जो 2020 में ये मेला का यहाँ का माँ नर्मदा ने संचल करा है। ये आज संचल चालू किया है, आगे सभी जनता आप लोग सभी साथ देंगे तो आगे के लिए और कार्यकर्ता बढ़ता जाएगा। माँ भगवती कृपा होगी, भोलेनाथ की मेहर होगी। और आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं, लगभग कब से जो तो आपने संन्यास धारण किया, इस बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम चंद्रमापुरी नाम है मेरा, ठीक है जी। कहाँ से, मतलब कब आपने संन्यास धारण किया? संन्यास मेरे को हो गई 20 साल हो गए जी। और अनवरत काल से भगवान शिव शंकर की भक्ति में आप? हाँ, भोले ने मेरे को दर्शन दिया जी, उसी हिसाब से गुरु मूर्ति मिलन हुआ जी, गुरुदक्षिणा लिया मैंने तो गुरु को चरण में आया जी। माइक और भक्तों का जो उत्साह है, भक्तों की जो भक्ति में सराबोर हो रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहना है, मतलब भक्तों का उत्साह किस तरीके से देखा जा रहा है? भक्तों आनंद में रह रहे हैं, भक्त कोई परेशान नहीं रह रहा है, क्या नहीं। यहाँ मेला चलते हुए कितने दिन हो गए जी? लगभग 24 फरवरी से अनवरत चल रहा है। 24 फरवरी चल रहा, किसी भी भक्त को कष्ट नहीं हुआ जी? हुआ है? नहीं, नहीं हुआ। आनंद से मेला हो रहा है और मेला चलता रहेगा, किसी यात्री को, किसी मनुष्य को भी कष्ट नहीं होगा जी। और आगे अगर भविष्य में जो तो आपके दर्शन की आप इच्छा हो तो आगे कहाँ? आप भगवती की कृपा है जी, बुलाने की जो दोबारा मेला माँ लगवाएगी और सभी लोग अगर उसका संयोग करेंगे, माई का साथ देंगे तो मेला लगेगा। बाकी हम आपको नाके घाटे पे मिलते, हरिद्वार कुंभ में मिलेंगे, इलाहाबाद में मिलेंगे। अगले वर्ष हरिद्वार कुंभ भी होने वाला भी आपके दर्शन। हाँ, आपको वहाँ मिलेंगे जी, ठीक है जी। नासिक में हम मिलते हैं बेटे, उज्जैन में हम चलते हैं, इलाहाबाद में हम चलते हैं, काशी में हम जाते हैं। काशी में हनुमान घाट है, 10 नाम जूना खाड़े का। हाँ जी, 6 साल के बाद यहाँ फिर से कुंभ भरा जाएगा। हाँ, कुंभ भरा जाए तो बाबा जब माई के फिर से भरा जाएगा। देखो, माई की कृपा होगी। मैं एक सवाल पूछ, मैं क्या कह रहा हूँ, माई की कृपा होगी हम आएंगे, ठीक है। और माई की कृपा नहीं होगी नहीं आएंगे। अभी खाई कल का कोई पता नहीं है, ये परमात्मा की माई की कृपा होती है। आपको व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था है, सभी लोग अच्छा। माननीय श्री तरुण मानोट जी की व्यवस्था है ये, और हमारे मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की तरफ से ये हुआ है। आपको व्यवस्थाओं में संपूर्ण संतुष्टि है? हाँ, संतुष्टि है। कमलनाथ जी का ऐसी बात नहीं है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, जो सभी मूर्तियों को माई की कृपा से यहाँ इकट्ठा करा है, संचोलक करा है, आगे के लिए पीढ़ियाँ बढ़ाई है। तो नींद रख दें वो चलती जाएगी माई की कृपा से। कोई भी मुख्यमंत्री अगर यहाँ का बनेगा वो माँ की कृपा से आगे चलता जाएगा, बढ़िया यहाँ का आवाज रहेगा, देश रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। उसको पीछे घटाएंगे हम, आप किसी को तो पीछे हटेंगे, है कि नहीं। हिंदू धर्म आगे बढ़ाया जाता, पीछे नहीं हटाया जाता, है कि नहीं। हाँ, और ना हटेगा, ना हटेगा, ये होना चाहिए। सच्चे गलत है? सही है, सही है। हर हर महादेव।
प्रणाम बाबा जी, ये कब से आपका संकल्प चल रहा है? गो कुंभ से जी। और यहाँ नर्मदा गो कुंभ में आप आए हुए हैं, भक्तों को दर्शन भी दे रहे हैं, लगभग ये कितने वर्षों का संकल्प आपके द्वारा जो तो एक पैर में खड़े होने का जो तो लिया गया? नहीं, ऐसा मेरा कोई वो नहीं जी। ये साधु की मौज होती है, अब क्या करना है वो मौज की बात होती है। मतलब ये स्वयं की इच्छा से जब तक अनवरत चलता रहेगा चलता रहेगा। और यहाँ पर गोकुंभ में जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा या जो तो भक्तजनों के द्वारा, इनकी सही नहीं थी जी, व्यवस्था इनकी सही नहीं थी जी। मतलब कहाँ पर सुधार करने की गुंजाइश आपको समझ में? अब ये तुम्हें ये बोलने की बात है यार, उस दिन पानी बरसा और मैं इसको छोड़ के जा नहीं सकता, ठीक है जी। क्या व्यवस्था थी तुम्हारी यहाँ पे? ये खुला है, ये क्या व्यवस्था है तुम्हारी? हम ये पूरा खुला शरीर है, ये पूरा क्षेत्र खुला है कि नहीं खुला है? जी बिल्कुल। यहाँ तुम सुविधा क्या हमको दे रहे हो, बोलो क्या सुविधा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब बहुत ही गहरी असुविधा और अव्यवस्था देखी गई यहाँ पर सरकार की। अपनी आंखों से देखो जी इसको, ये जगह को, और ये जी क्या सुविधा है तुम्हारी? पूरा खुला हुआ है, ठीक है। अब ये तो कहने सुनने की तो बात ही नहीं जी, बिल्कुल। फिर आप तो और क्या थे जी, आपने समय दिया बात करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।